कभी किसी का व्यर्थ अपमान मत करो। आप शक्तिशाली हो, अच्छी बात है, लेकिन समय आपसे भी शक्तिशाली है, ये कभी मत भूलो। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। जो व्यवहार आपको दूसरों से पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार आप दूसरों के साथ भी ना करें। दोस्तों, समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल ही इंसान को सफल बनाता है। तरक्की होगी तो गिराने वाले भी होंगे, तुम तैयार रहना, तुम्हें आजमाने वाले भी होंगे। इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। दोस्तों, बुद्धि सबके पास है, चालाकी करनी है या ईमानदारी, ये संस्कारों पर निर्भर करता है। बुरा लग जाए ऐसा सत्य बोलो, लेकिन सत्य लगे ऐसा झूठ कभी मत बोलो। पूजा करने का कोई सिद्धांत नहीं है, परमात्मा हर उस दिल की सुनता है जो पवित्र, निर्दोष और ईमानदार है। दोस्तों, गीता कहती है, मूर्खों को कभी भी भूलकर भी ज्ञान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो उनके लिए विष के समान कड़वा होता है। हमारे जीवन में समस्याएं बिना किसी कारण नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। हर उस रिश्ते को वहीं त्याग देना चाहिए जहां वक्त और सम्मान के लिए हमें भीख मांगनी पड़े। दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि कुछ गलत करने से ही दुख मिले, हद से ज़्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। लोगों से रिश्ता निभाकर एक ही बात सीखी है, किसी की हद से ज़्यादा फिक्र करोगे तो वो इंसान आपको फालतू समझने लगेगा। मन का झुकना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ सिर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। दोस्तों, घर से मंदिर जाने की फुर्सत नहीं है और इंसान सीधा शमशान से स्वर्ग जाना चाहता है। अगर आपको झुकना है तो किसी की विनम्रता के आगे झुकें, किसी की शक्ति के आगे, रूप के आगे और धन के आगे तो बिल्कुल भी मत झुकना। अपने स्वभाव को हमेशा सूरज की तरह रखिए, ना उगने का अभिमान और ना डूबने का डर। दोस्तों, हर समस्या के तीन समाधान होते हैं, स्वीकार करो, बदल दो या फिर छोड़ दो। संबंध, लगाव और अपेक्षाएं हमेशा दुख पहुंचाती हैं। लोगों की राय से ज़्यादा अपनी शांति को महत्व दें। किसी से बदला लेने में समय व्यर्थ ना करें, क्योंकि जो आपको चोट पहुंचाते हैं वे अपने कर्म का स्वयं सामना करेंगे। दोस्तों, सुंदरता के लिए रंग मायने नहीं रखता, क्योंकि सांवले तो हमारे कान्हा भी हैं और उनसे अधिक सुंदर कोई नहीं। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लो, यकीन मानो वक्त बेहतरीन जवाब देगा। स्वयं को आगे रखना स्वार्थ नहीं बल्कि जरूरी है। दोस्तों, किसी का असली चरित्र तभी सामने आता है जब आप उसके मतलब के नहीं रहते। भाग्यशाली वह नहीं होते
जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वह होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसे वे अच्छा बना लेते हैं। विचार और जल हमेशा स्वच्छ होना चाहिए। दूषित जल स्वास्थ्य बिगाड़ देता है और दूषित विचार जीवन को। नमस्कार दोस्तों, यदि आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।